हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MRS मस्ती पर। आइए देखते हैं मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन जो सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। किन किन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपके सामने देखो लिखा हुआ है, किस किन किन परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से एंड तक देखिएगा। और शायद आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं ना, सब्सक्राइबर अभी नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, रीड करिएगा क्वेश्चन एक बार क्या बोला है। देखिए, कपिल ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें उसने ₹500 और बचा लिए होते। तो पूछ रहा है यहाँ पे, तो रहीम ने यह टीवी कितने रुपए में ख़रीदा। यहाँ पे रहीम नहीं, यहाँ पे कपिल ही होगा, ठीक है, एक ही बंदा है ना। तो कपिल ने टीवी कितने में खरीदा ये पूछ रहा है। देखिए, उसने पहले तो आप ये समझो, मैथ के क्वेश्चन जब भी सोल्व करो अच्छे से पढ़ के, बिना पैन उठाए आप सोल्व कर पाओगे। देखिए, सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता, कितनी छूट और एक्स्ट्रा ली होती, 5%। अगर 5% छूट और मिल गई होती तो उसने कितने रुपये, ₹500 बचा लिए होते। तो 5% जो छूट जो है ₹500 बराबर हो गई, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ₹100, यही ना, 1% वैल्यू ₹100। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखो, लेकिन उसने खरीदा किस कितने में, 20% छूट पर खरीदा उसने, तो कितने में खरीदा ये पूछ रहा है। तो 20% छूट मतलब 80% तो उसका लिया होगा ना, 20% छूट भी खरीदा मतलब 80% दिया होगा। तो 1% का मान 100 है, तो 80% का मान कितना हो जाएगा, देखो 80% का मान जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 100 में गुणा हो जाएगा 80 का, यही ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 8000 क्या हो जाएगा, 100 का गुणा जब 80 में करोगे तो क्या आएगा, 8000 आएगा, 8 जमा 8 ये और 3 0, ठीक है। तो उसने टीवी कितने रुपए में ख़रीदा है, 8000 में ख़रीदा है, ठीक, क्लियर। उम्मीद है प्रश्न आप अच्छे समझ गए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, रीड करिए क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। 1 लीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 40 मिली है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, RRB ग्रुप डी कोलकाता 17/11/2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप बिना पेन उठाए सोल्व करिएगा। अभी देखिए, 1 लीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 40 मिली है, मतलब 40 ml है। तो देखिए यहाँ पे ml दिया ना, तो आप इस लीटर को मिलीलीटर बदल लीजिए, ठीक है। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 कितने होते हैं, 1000 ऐसे होते हैं कि कौन सी भिन्न, सॉरी, 1 लीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 40 ml है, कितनी 40 ml है, और किसकी, 1 लीटर की। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ये सबसे सिंपल मेथड है, बिल्कुल आसानी सोल्व कर पाओगे आप। देखो अब क्या होगा, 0 से 0 कटा लो, अब ये 2 0 2 0 कटे, ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 4 तो लिखे ही, 1 0 और आगे लगाओ तभी 2 अंक बनेंगे, बस यहाँ पर लगा दो दशमलव, ये आ गया 0.04। तो कौन सी भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी 0.04। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिना पैन उठाए आप सोल्व करिएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। 1 लीटर कौन सी दशमलव भिन्न 40 ml पूछा है, 40 मिली है, तो 40 ले लीजिए, और 1 लीटर की पूछा है, तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, क्योंकि दोनों में ml रखना है भाई, वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस 0 0 कटाओगे, 2 अंक हटाओगे, 2 0 हटाओगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे, 0.04 फिर आ गया आंसर, ठीक, बिल्कुल सिंपल। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे सोल्व होगा, आप ऐसे नहीं गिनोगे, 1 फरवरी को सोमवार था, फिर 2 को मंगल, ऐसे गिनोगे बहुत टाइम लगाओगे, है ना, ऐसे ना गिनिएगा। कैसे सोल्व होगा देखिए, आपको पहले तो यहाँ पे ये जानना है कि 2010 लीप ईयर है या नहीं, तो इसमें के लिए 4 से भाग लगा के देखते हैं, 4 से पूरा पूरा कट गया तो लीप ईयर है, 4 × 5 = 20, इधर ये 4 × 2 = 8, ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। लीप ईयर मतलब समझते हो, जिसमें जो है एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, 366 दिन हो जाते हैं, तो ये लीप ईयर तो है नहीं। जब नहीं है तो देखिए, 1 फरवरी को सोमवार था, 5 मार्च को पूछा है, तो 1 फरवरी से 5 मार्च तक कितने दिन होंगे, 28 दिन तो फरवरी में होते हैं, उसमें से एक दिन तो ये फरवरी हो ही चुका है, 27 दिन बचे, और 5 दिन मार्च में, कितने दिन हो गए टोटल, 32 दिन।
32 दिन हो गए टोटल, इसमें 7 से भाग लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद 8वां दिन रिपीट हो जाता है, वही दिन आ जाता है, इसलिए 7 से भाग लगा दीजिए। तो इसमें कटा 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितने बचे शेष? रिमाइंडर कितना बचा? 4। कितना बचा? 4 बचा, 7 चौक 28, 4 शेष बचा। बस आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बस शेष से मतलब रखिए जो रिमाइंडर बचा है। देखिए सोमवार था, सोमवार में 4 दिन और जोड़ दीजिए, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। सिंपल तरीका है, इस प्रकार से आप निकालिएगा, ठीक ना। क्या करना है, एक तो दिन गिन लेना है कि जो डेट दी गई है उससे लेके और जो डेट नेक्स्ट दी गई वहाँ तक दिन कितने होंगे, ये दिन गिन लेना है, और दिन गिन के 7 से भाग लगा दीजिए, ठीक। उससे क्या होगा, आपका दिन निकल आएगा। क्लियर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या, अभी 4 देखते हैं पहले, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पे आपको कुछ भिन्न दिए गए हैं, पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। RRC ग्रुप डी रांची 27/10/2013 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए कैसे सुलभ होगा, अब आपको ऐसे तो नहीं लगा पता कौन छोटा कौन बड़ा, तो क्या कर लीजिए, देखो ये 0.1 लिखा है, ऐसे सभी को कटा लीजिए। देखिए 1/2 का कटाओगे क्या आएगा, देखो 2 से कटाओगे भाग लगेगा नहीं, 0.1 हो गई, 2 × 5 = 10, 0.5 आ गया। क्लियर? अच्छा 1/3 को कटाओ, देखो भाग लगेगा नहीं, 0.5 लगाया, कितना हो गए 10 × 3 = 9, 1 × 10, फिर 3 × 9, ये ऐसे ही कटता आएगा, ठीक है। 1/4 को कटाओ, इधर 1/4 को कटा के देखो क्या आएगा, 0.5 लगाओ, 10 हो गए होंगे, है ना, 10 हो गए होंगे, 4 × 8 = 2 = 10, 20, 4 × 5 = 20। इसके बाद ये 0.1 तो लिखा ही है, अब देखो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही, ये 0.3 है, ये 0.2 है, ये 0.5 है, सबसे छोटी ये 0.1, ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.1। क्लियर? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कटा के देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन को रीड करिएगा। 2 साझेदार पी एवं क्यू एक व्यापार में क्रमशः ₹8,000 एवं ₹12,000 लगाते हैं, यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5,600 मतलब 5,600 का लाभ हुआ तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए, तो बी को कितना रुपये मिलेगा ये पूछ रहा है। देखिए ऐसे प्रश्न क्या होते हैं ना, ये हमेशा आपके बिजनेस में भी काम आने वाले हैं ना, और परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप बहुत टाइम लगाइएगा बनाने में, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप बहुत जल्दी बना पाओगे इससे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक बात हमेशा याद रखो, जो जितना रुपये लगाया है ना, जिस रेशियो में रुपये लगाया है उसी रेशियो में उसे लाभ मिलेगा या हानि जो भी होगी उसी रेशियो में मिलने वाला है, ठीक है। मान लो 8,000 लगाया किसी ने, पी ने, और क्यून कितना लगाया, यहाँ पे क्यून लगाया 12,000, तो ये किस रेशियो में लगाया वो देखो, अनुपात का चिन्ह लगाओ, कटा लिया 3 0 से 3 0 कट गया, 4 से कटाओ, 4 × 8 = 12, 2:3 के अनुपात में इन्होंने लगाया है पैसा। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है, 2:3 के अनुपात में लगाया है, तो इसी अनुपात में इन्हें लाभ मिलने वाला है। देखिए 2:3 पी और क्यू ने लगाया है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। यहाँ पे क्यू का लाभ पूछा गया, ठीक है, बी नहीं, क्यू का लाभ, तो क्यू का लाभ कितना होगा, देखिए क्यू का लाभ कितना है यहाँ पे, 3 रुपये, कितना है 3 रुपये, कुल कितने में, 3 × 2 = 5 में, ठीक। इसके बाद रुपये कितने, 100 को लें 5,600, लेकिन तरीका देखो 5 से कटाओ, 5 एकम 5, इधर कटाओ 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 1 6 10 हुए, 5 × 2 = 10, और ये 0, 1120 आ गई, 1120 का 3 में गुणा कर दो, तो 0 3 × 6 3 एकम 3 3 एकम 3 3360, 3360 आ गया, 3360 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न बहुत अच्छे समझ आया होगा, इसमें बस सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है कि जो जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है उसी रेशियो में उन्हें मिलने वाला है। उन्होंने लगाया है 12,000 और 8,000 और 12,000 के रेशियो में लगाया है इन्होंने, है ना, 8,000 और 12,000, तो इनका जो है कटाओगे जब
तो ये कटेगा 4 × 8 ये 4 × 3 = 12, दोनों बात 3 के में लगाए हैं। तो यहाँ पे क्यू का पूछा गया है, तो क्यू ने कुल कितना लगाया, 3, 3 ही तो लगाया, कुल कितना है 5 में, बस 5600 सब गुणा कर दोगे, कटाओगे आप जब, तो आंसर आपका 3360 आने वाला है। ठीक है, 3360 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक ना। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने और फ्रेंड्स के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, अच्छे से अच्छे लोग सीख सकें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इसी प्रकार का नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचता रहे, अपडेट पहुँचते रहे, जिससे आप वीडियो को रेगुलरली देख पाओ, ठीक है। और व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि व्यूज इंक्रीज हो, उससे क्या ना तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, वीडियो जब लाइक होती है व्यूज़ मिलते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उनको पता लगता है कि नहीं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।